किसी भी रिले को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार से हम सेंसर को कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा रिले है उस रिले के साथ में हम किस प्रकार से लोड को कनेक्ट करें जिससे कि यदि सेंसर के सामने कोई टारगेट आए तो उस कंडीशन में हमारा लोड ऑन हो जाए, और जैसे ही हमारा टारगेट हट जाता है तो तुरंत लोड ऑफ हो जाए। तो किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कभी लो वोल्टेज के द्वारा हाई वोल्टेज वाले एप्लीकेशन को चालू और बंद करना हो तो उन दोनों के बीच में हमें इस टाइप का एक रिले इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि लो वोल्टेज के द्वारा हम इस रिले को चालू और बंद करेंगे और ये जो हमारा रिले है ये रिले हमारा हाई वोल्टेज वाले एप्लीकेशन को चालू और बंद करेगा। तो ये जो मेरे पास में रिले, इस रिले को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस रिले का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस मॉडल नंबर में आप देखोगे लास्ट में 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब होता है कि इस रिले के अंदर में कितने NONC कॉन्टेक्ट है। अभी के टाइम पे इसमें लिखा गया है 2, इसका मतलब है कि इसमें 2 NO और 2 NC कॉन्टेक्ट है। यदि यहाँ पे 4 लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि इस रिले के अंदर में 4 NO और 4 NC कॉन्टेक्ट है। अभी मेरे पास में टोटल 3 रिले है और इन तीनों रिले का मॉडल नंबर सेम टू सेम है, लेकिन ये जो मेरा रिले है तीनों के तीनों पूरा का पूरा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है एक बार समझिए। देखिए रिले का जो मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर आपको केवल ये बताता है कि इस रिले में कितने कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपका जो रिले है उस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा। अभी आप देखोगे ये जो मेरा फर्स्ट रिले, इस रिले के कॉइल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे लिखा गया है 12 वोल्ट DC, यानी कि इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हमें 12 वोल्ट का DC पावर सप्लाई देना पड़ेगा। इसके बाद आप देखोगे ये जो मेरे पास में सेकेंड रिले, इस रिले के कॉइल पे लिखा गया है 24 वोल्ट DC, यानी कि इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें 24 वोल्ट का DC पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद मेरे पास में एक तीसरा रिले, इस रिले के कॉइल में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है 220/240 वोल्ट AC, यानी कि ये AC पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला रिले है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मॉडल नंबर तो सेम है, लेकिन इनको ऑपरेट करवाने के लिए जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो वोल्टेज हमारा डिफरेंट है। तो अभी के टाइम पे मुझे इस लैंप को चालू और बंद करना है, वो भी इस सेंसर के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा सेंसर है, इस सेंसर को ऑपरेट करवाने के लिए मुझे DC पावर सप्लाई देना पड़ेगा, और जैसे कि आपको मालूम है जो भी हमारा इनकैंडेंसी लैंप होती है, इस लैंप को ऑपरेट करवाने के लिए हमें AC पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस सेंसर के द्वारा इस बल्ब को चालू और बंद करने के लिए मैं रिले का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में 3 डिफरेंट रिले है। अब इन तीनों में से कौन सा रिले इस्तेमाल करूँ, तो इसमें आपको सिंपल सा एक तरीका इस्तेमाल करना है। आपका जो सेंसर है उस सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज देख लीजिए। आप यहाँ पे देखोगे इस सेंसर में लिखा गया है कि इसको ऑपरेट करवाने के लिए हमें 5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट DC पावर सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट वाली और 24 वोल्ट वाली रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं, AC रिले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, अब इस सेंसर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे SMPS का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मेरे पास में SMPS है, इस SMPS का जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज मेरा 12 वोल्ट है, तो मुझे यहाँ पे 12 वोल्ट वाली ही रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 24 वोल्ट वाले रिले का इस्तेमाल मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास में इतने कंपोनेंट है और इनका हमें वायरिंग करना है, तो वायरिंग कैसे करेंगे चलिए समझ लेते हैं। जो भी हमारा सेंसर होता है उस सेंसर में आपको 3 वायर या फिर 4 वायर मिल जाएगा। यदि आपके सेंसर में 3 वायर है तो उसमें जो ब्राउन वायर है वो होता है पॉजिटिव के लिए और ब्लू वायर होता है नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों वायर को ले जाके जो मेरा SMPS है, SMPS का जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ मैं इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस सेंसर का जो ब्लैक वायर है उससे हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलता है, तो उस आउटपुट पावर सप्लाई के साथ में मैं एक वायर को एक्सटेंड कर देता हूँ और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो मेरा रिले है, इस रिले का जो 13 और 14 नंबर का टर्मिनल होता है, उन दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वायर को कनेक्ट करने से पहले हमें सेंसर को देखना पड़ेगा। यदि आपके पास में PNP टाइप का सेंसर है तो उस कंडीशन में आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो होगा पॉजिटिव टाइप का, और यदि आपका सेंसर NPN टाइप का है तो उस कंडीशन में आउटपुट सिग्नल आपको नेगेटिव पावर सप्लाई मिलेगा। तो अभी मेरे पास में NPN टाइप का सेंसर है, तो इस सेंसर का जो आउटपुट सिग्नल होगा उस सिग्नल को ले जाके
इस रिले का जो 13 नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दूंगा। तो इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए जो नेगेटिव पावर सप्लाई चाहिए था वो इस सेंसर के द्वारा मिल जाएगा। अब हमें केवल इस रिले को पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, SMPS का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाएंगे और जो रिले है इस रिले का जो 14 नंबर का टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इतना कनेक्शन करने के बाद हम इस सेंसर के द्वारा इस रिले को ऑपरेट करवा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा रिले का ये कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट चेंज होगा जब इस सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है। ओके, अब ये जो मेरा लैंप है इस लैंप का जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर होगा इसको ले जाके हम AC पावर सप्लाई के न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो मेरे पास में कनेक्टर है इस कनेक्टर में मैंने न्यूट्रल पावर सप्लाई और फेस सप्लाई को कनेक्ट करके रखा हूँ। तो मैंने क्या किया, लैंप के न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस लैंप को फेस सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिले है इस रिले का NO या फिर NC इन दोनों में से किसी भी एक कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के टाइम पे मैं इस रिले का NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो NO कॉन्टैक्ट इसका यहाँ पर 8 नंबर का टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ मैं इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो इस वायर को कनेक्ट करने के बाद हमें अब क्या करना है कि इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल होता है उस कॉमन टर्मिनल पे हमें फेस सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब इस रिले का जो कॉमन टर्मिनल है उस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाएंगे और जो हमारा फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस लैंप को सेंसर के द्वारा कंट्रोल करने के लिए पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी के टाइम पे हमने इस रिले का NO कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किए, तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, जब हमारे सेंसर के सामने कोई टारगेट जाता है तो हमारा लैंप ऑन हो जाता है और जब टारगेट सेंसर से हट जाता है तो उस कंडीशन में हमारा लैंप ऑफ हो जाता है। अब यदि मैं इस रिले का NC कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करूँ तो होगा क्या, ये जो हमारा सेंसर है इस सेंसर के सामने यदि कोई भी टारगेट नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हमारा लैंप ऑन रहेगा, लेकिन जैसे ही सेंसर के सामने कोई भी टारगेट आता है तो उस कंडीशन में हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।